हाय सर, डॉक्टर अमित मित्तल, डायरेक्टर मित्तल है माइक्रो सर्जरी सेंटर। आज हमारे पास एक पेशेंट है, उनसे पूछते हैं कहाँ से और कैसे ठीक हुए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सुजल जोशी है। सुजल जोशी, कहाँ से हो आप? मैं फतेहपुर सेकावटी डिस्ट्रिक्ट सीकर राजस्थान से हूँ। अरे वाह, क्या काम करते हैं आप? मेरा बिजनेस है, साथ साथ स्टडी भी करता हूँ। बिजनेस भी और स्टडी भी करते हो? दोनों एक साथ करते हो? क्या बिजनेस है? मोबाइल शॉप है सर। तो आपको क्या चोट लगी थी, कौन से हाथ में और कैसे लगी थी? मेरे सर बाइक से हम गिर गए थे, कांच का कट लग गया। हाँ हाँ। उससे कांच का कट लगने से ये दो वेन है ये कट गई थी। हाँ हाँ। तो वहाँ के खून बहुत ज्यादा बह चुका था, फतेहपुर की लोकल, वहाँ हमारे डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि यहाँ इसका इलाज नहीं होगा, आप सीकर या जयपुर कंसल्ट करो। तो हमने किसी रिलेटिव से बात की तो उन्होंने आपका नाम लिया कि वहाँ चले जाओ। उस टाइम कोविड के बहुत ज्यादा केसेस थे। कब की बात है ये? 8 मई की बात है सर। 8 मई? हाँ, 2020। हाँ, 2021 की। अच्छा। हाँ, उस टाइम बहुत ज्यादा केसेस थे तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ आए। तब आपसे कंसल्ट किया, आपने बोला मैं ऑपरेशन कर दूंगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। उस टाइम बहुत गंदे गंदे डाउट्स थे कि हाँ क्या कैसा होगा, कैसे करना होगा, दर्द होगा क्यों नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर अमित मित्तल ने मुझे एक ही बात कही कि बिल्कुल भी नहीं घबराना है। परफेक्ट, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, सारा काम मेरा है, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, पूरा हाथ में ठीक करूंगा, बट तेरे को कॉन्फिडेंस रखना है। ओके। तो उसी टाइम मैं समझ गया कि डॉक्टर इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो मेरे को क्या डरने की जरूरत है। वेरी गुड। मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, उन्होंने जैसे जैसे बताया तो मैंने वैसा वैसा किया। उस टाइम से अब तक प्रेजेंट टाइम में आज मेरे को बहुत, आज सर 5.5 महीने हो गए मुझे। अच्छा। लेकिन उस टाइम को देखते हुए आज मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा है मेरे हाथ को देख के कि मैं सक्सेस में हो गया। ये फुल मूवमेंट करके, ये फुल मूवमेंट कर रहा है। हाँ, उस टाइम मेरा बिल्कुल भी ऐसा था हाथ, मतलब ये इतनी भी नहीं हिलती थी। नहीं, बिल्कुल नहीं हिलती थी। अब मेरा है जो हाथ एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट है। अभी यहाँ पे पता चलने लग गया आपको थोड़ा बहुत? हाँ, सेंसेशन का थोड़ा बहुत पता चलने लग गया। पहले ये भी नहीं पता चलता था। बिल्कुल नहीं पता चलता था। जब आप आज हमारे पास आए दिखाने के लिए, जब भी आते थे तो आपको किस चीज में फायदा होता था जब आप आते थे, और यहाँ से आके दुखी होकर जाते थे या क्या है? नहीं, क्या सर, यहाँ आके कॉन्फिडेंस ये मिलता था डॉक्टर से, जैसे कंसल्ट करते थे तो मेरे को फ्यूचर में जो मेरे साथ होगा मेरे को नहीं पता, बट डॉक्टर को सारी चीजें पता है कि तेरे ऐसे होगा, ऐसे सेंसेशन का आज के 15 दिन बाद में पता चलेगा, 20 दिन बाद पता चलेगा, फिर तेरी जो ये फिंगर्स है ऐसे मूवमेंट करने लगेगी, तो इस तेर को ऐसा करना है वैसा करना है, सारी एक्सरसाइज बता के। बट आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं जल्द ही एकदम 90% तो सक्सेस हो गया। 10% है वो थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, बट सक्सेस हूँ मैं। जो भी आपका काम है, किसी में भी आपको कोई अड़चन नहीं कि आप काम नहीं कर पाए या? नहीं सर, शुरू में बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ा मेरे को, 3 महीने तक तो एकदम खास कर ध्यान रखना पड़ा। बट बाद में मैं डॉक्टर से कंसल्ट किया कि बाइक वगैरह चला सकता हूँ वापस, अब सब चला। हाँ, अब वापस अच्छे से चला सकता हूँ। डॉक्टर बोला किसी चीज से नहीं घबराना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पूरा काम अपने आप करो, ऐसे घबराएंगे तो कुछ नहीं होने, कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, ये बताओ, जो जब ये आपका ये उंगलियां बिल्कुल नहीं हिलती थी, हाँ, और जैसी नस इनको ऐसे सीधा करके दर्द होता होगा, सूजन, हाँ, रहती होगी, उन सब चीजों को आप कैसे ऊपर किया आपने? जैसे उंगलियां बिल्कुल सॉफ्ट हो गई ना आपकी, हाँ, तो उसका तरीका बताओ हमारे व्यूअर्स को कि आपने वो जो दर्द को कैसे कम किया, और जो सारे लोग जो आपके आसपास के बोलते होंगे ठीक नहीं हो, उन सबको आपने कैसे अब्सॉर्ब किया और कैसे अपने उस कंफ्यूजन से ऊपर है सर देख के बताओ। शुरू में मेरे जो भी ये स्टिचेस थे इनको ओपन किया तो डॉक्टर ने बोला अगर इन फिंगर्स ये जाम हो गई तो उसके बाद में कितना ही बड़ा ऑपरेशन करवा लो, कितना ही पैसा लगा लो, इस पे ये ठीक नहीं होगा। आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर की बात है कि आप जितना अभी दर्द सहन कर लोगे ना, उसके बाद में आपकी लाइफ अपने आप सक्सेस हो जाएगी। परफेक्ट। क्योंकि ये कट तो एक बार लगा है लेकिन अपन को सक्सेस करना है। तो मैंने एक बार मेरे कम से कम भी 20 से 25 डेज बहुत दर्द हुआ जिससे मैंने सहन किया और बिना किसी दवाई के। डॉक्टर ने तो बोला ज्यादा अगर हो पेन तो आप ये दवाई देता हूँ, लेकिन मैंने
एक भी पेन किलर नहीं ली, सारा दर्द सहन किया और जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज करता गया फिर मेरे को हैबिट हो गई, फीलिंग आ गई, फीलिंग आ गई अच्छी कि हाँ भाई सॉफ्ट हो रही है। फिर मैं नेक्स्ट टाइम डॉक्टर के पास आया एक महीने बाद में, तो डॉक्टर मेरे को ये डर था कि डॉक्टर अब जाते क्या बोलेगा, ये फिंगर सॉफ्ट हुई या जाम हुई या कुछ हुई, तो यही गंदा डाउट था जब से मैं घर से चला था, यही गंदा डाउट था। उसके बाद में मैं यहाँ के आया तो डॉक्टर ने बोला परफेक्ट, अब सक्सेस का वे दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो उससे सॉफ्ट हो गया, तो डॉक्टर ने बोला अब अपने काम आप कर सकते हो, तो उससे सर मेरे को अच्छी सक्सेस मिली। कोई दवाई तो नहीं दे रहे हम आपको? नहीं, कोई दवाई नहीं है, ओनली मेरे को दी थी 15 से 20 दिन की दवाई, उसके बाद कोई, उसके बाद में ओनली कैल्शियम के लिए दी थी जो मैं फ्रूट्स वगैरह से खा रहा हूं। तो आप अपने लोगों को अपना हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस डॉक्टर से कोई भी एक्सपीरियंस या जो भी अपने गांव वाले लोग जो आपको बोलते थे नेगेटिव और ये, वो उनको बताओ कि उनसे कैसे ऊपर आना है और कैसे ठीक होना है। किसी की बातों में नहीं आना है, जैसा डॉक्टर बोलते हैं वैसा करना है, क्योंकि डॉक्टर्स भी अपना लेवल के ऊपर बात करते हैं। जिससे मेरे को सक्सेस मिली है, जैसे डॉक्टर अमित मित्तल से मैंने कंसल्ट किया था शुरू में, लेकिन वास्तव में बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, जैसे मेरा, क्योंकि औरों का तो नहीं पता लेकिन मुझे मेरे लिए एकदम बेस्ट डॉक्टर मेरे को मिला है डॉक्टर अमित मित्तल, जिनका ये 200 फीट बाईपास पे क्लिनिक है, और इनसे जितनी बार भी आता हूँ मैं मेरे को अच्छा से अच्छा प्रॉफिट मिलता है। और अब है जो मेरे को एकदम मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, और रिस्ट वगैरह में जैसे इसमें भी दिक्कत थी मेरे रिस्ट में, लेकिन अब एकदम परफेक्ट है। तो इन पेशेंट के थ्रू हम यही बताना चाहते हैं कि जब भी ऐसी कोई चोट लग जाती है जो कि गहरी होती है, सुबह ऊपर से दिखने में बहुत हल्की सी लग रही होती है और खून भी अपने आप धीरे धीरे स्टॉप हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि यहीं पे टांके लगवा लेते हैं या फिर नस भी यहीं जुटवा लेते हैं, क्योंकि अगर आप फोटो देकर किसी को भेजोगे कि डॉक्टर साहब भी ठीक हो जाएगा क्या, तो जो भी एक्सपर्ट डॉक्टर होगा वो कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि हाँ मेरे पास आ जाओ, वो यही कहेंगे कि वहाँ के बेस्ट डॉक्टर हैं वहीं से करवाइए आप। लेकिन इनको पता था कि हाँ यहाँ पर हम हैंड सर्जन हैं और स्पेशलिस्ट हैं, इसके माइक्रो सर्जरी करते हैं, तो इमीडिएटली इन्होंने स्टेप लिया और 200 किलोमीटर दूर जयपुर आए और फिर हमसे ऑपरेशन कराया, और फ्रिक्वेंटली जैसे इन्होंने बताया हर एक दिन पूरा वेस्ट कर हमारे पास आते हैं, और मेरे ख्याल से मैं तो बुलाता भी नहीं हूँ, आप हर 2 महीने बाद ऐसे कुछ आते हैं, टोटल मेरे ख्याल से 4-5 बार आए होंगे, और उसका कारण है कि आज ये बिल्कुल ठीक है और बहुत ही बेटर है, उंगलियाँ बिल्कुल सॉफ्ट हैं और धीरे धीरे सेंसेशन आता जा रहा है, और पावर के लिए आज मैंने इनको बता दिया कोई भी सामान उठा सकते हैं, क्योंकि पहले भी उठा सकते थे लेकिन सिर्फ एक हिचक थी वो भी मैंने क्लियर कर दी है। तो थैंक यू सो मच सर, आई एम वेरी हैप्पी सर, थैंक यू।